हेलो एवरीवन, मैजिकल नाइन सीरीज में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी 9 प्रेरक कहानियां जो आपके जीवन को बदल देंगी और आपको सफलता की राह पर अग्रसर करेंगी। ऐसी एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, मैंने सुनी थी। इस कहानी को नज़रिए के ऊपर एक कहानी है जो ये बताती है कि जीवन में जो घटनाएँ घटती हैं वो तो सबके लिए समान होती हैं, केवल हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया उस घटना को हमारे लिए अच्छा या बुरा बनाता है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों ही कहीं जॉब करते हैं और एक रोज़ ऑफिस से वो जल्दी निकल जाते हैं अपने अपने, ये कहकर कि आज उनकी एनिवर्सरी है और उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताना है। दोनों घर पहुंचते हैं, रियलिटी ये है कि घर की लाइट चली गई है। हस्बैंड वाइफ से ये कहता है कि आओ हम कहीं रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं। दोनों नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कार पंक्चर है। क्योंकि कार पंक्चर है, कहीं जाना है, हस्बैंड कहता है आओ हम थोड़ी दूर तक साथ चलते हैं रेस्टोरेंट तक। दोनों जब रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो रेस्टोरेंट बंद है किसी कारण से और उनको लगता है कि आज का दिन तो ख़राब हो गया। दोनों वापस आते हैं और घर आकर के हस्बैंड वाइफ के लिए खाना बनाता है। दोनों खाना खाते हैं और यहाँ पर उनका दिन ख़त्म होता है। अब देखिए, दोनों सुबह ऑफिस पहुँचते हैं, हस्बैंड को उसका फ्रेंड पूछता है दोस्त कैसा रहा दिन। वो कहता है यार इट वॉज अमेजिंग, फैंटास्टिक। वो कहता है कि मैं जब घर गया तो अब तुझे बताऊँ घर में लाइट गोल थी, इसका मुझे एक फ़ायदा मिला। फ़ायदा ये मिला कि मैं और मेरी वाइफ हमने सोचा हम दोनों रेस्टोरेंट चलते हैं खाना खाने के लिए। जनरली वो अवॉइड करती है, वो कहती है घर का ही खाना खाएंगे, फिजूल खर्ची क्यों करें। तो क्योंकि लाइट नहीं थी, गर्मी थी, मैंने कहा रेस्टोरेंट चलें और उसने भी एक बार में हामी भर दी। नीचे उतरे तो पता चला कि गाड़ी पंक्चर है। तुझे बताऊँ इसका मुझे क्या फ़ायदा मिला, हस्बैंड एंथुसियास्टिकली कह रहा है, इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि पिछले 10 वर्षों में मैं और मेरी वाइफ पता नहीं आखिरी बार कब साथ चले थे, कल हम बहुत दूर तक साथ चले और रेस्टोरेंट जाते ही पता चला कि रेस्टोरेंट बंद है। हम वापस घर आए और मैंने एक कैंडल लाइट डिनर प्लान किया। क्योंकि लाइट नहीं थी, मैंने कैंडल जलाया टेबल पर, मैंने वाइफ को कहा कि खाना मैं बनाता हूँ, मैंने खाना पकाया और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। व्हाट एन अमेजिंग एनिवर्सरी पार्टी, हस्बैंड ये कह रहा है। वाइफ को उसकी सहेली पूछती है कैसा रहा दिन, वो कहती है यार दिन बर्बाद हो गया। कैसे, वो कहती है घर गए तो बोलती है कि बोरिंग, लाइट गोल थी और लाइट नहीं थी, गर्मी भी थी। हस्बैंड ने कहा रेस्टोरेंट चलते हैं, नीचे उतरे तो दिन ऐसा बर्बाद था कि गाड़ी पंक्चर मिली। और सोचो, उसने कहा हद तो ये हो गई जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे, कहती है रेस्टोरेंट भी बंद था। वापस घर आए, मेरा खाना पकाने का मन नहीं था, मैं थक चुकी थी, लेकिन हस्बैंड उन्होंने कहा कि चलो खाना मैं बनाता हूं और हस्बैंड के हाथ का बोरिंग खाना। व्हाट अ पैथेटिक डे। देखिए, घटना दोनों की सेम थी, सारी चीजें सेम थी, बताने का नजरिया और उसे देखने का नजरिया बदल गया। वही घटना हस्बैंड के लिए खुशी लेकर आया तो वही घटना वाइफ के लिए दुख। यह बताता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका नजरिया किसी घटना को अच्छा या बुरा बनाता है। जीवन में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, आपका नजरिया आपके लिए खुशहाली या दुख लेकर आता है। तो देखा आपने इस कहानी में कि किस तरह आपका नजरिया आपके जीवन को बदल सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रेरक कहानी आपको पसंद आई होगी। भूलें ना सब्सक्राइब करें, थम्सअप करें और शेयर करें। हैव अ नाइस टाइम।